बोले श्री गिरिराज महाराज की। अरे जो जो जितने गिरिराज की जयकार देगा उसको उतना ही बढ़ोत होगा और उतना जल्दी ऊपर भी जाएगा। बोले गिरिराज महाराज की। ओम ज्ञानतिमिरं दस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। गुरवे गौरचंद्राय राधिकायै इष्टदालये कृष्णाय कृष्णभक्ताय तद्भक्ताय नमो नमः। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। सब एक बार हाथ उठा कर बोलो सबाई। बोले हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम राम राम। और एक बार जोर करके बोलो। बोले हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम राम राम। ये जो गाड़ी है ना सब गन्ना, ये जो जूस निकालने वाले उनको बोलो पीछे चली जाए। प्रभु जी बोलो पीछे चली जाओ। तुम्हें ये भगवान की कथा नहीं हो पाएगा, उसको थोड़ा पीछे नहीं तो उसको बंद कर दो, थोड़ी समय के लिए बंद कर दो। जब जूस पिएंगे तब चलाना। के कौन है उधर, उसको बंद कर दो। तो बस उसको बंद करो, इंजन को बंद कर दो उसका। हरे कृष्ण हरि बोल। हरे कृष्ण। हम लोग गुरु वैष्णव के अनुगत्य में श्री गिरिराज गोवर्धन परिक्रमा करते करते अभी जिस स्थान पर उपस्थित हुए हैं, ये स्थान का नाम गोविंद कुंड है। हम लोगों ने जहाँ से परिक्रमा लगाई, सबसे पहला स्थान था दान घाटी, जहाँ पर कृष्णा खड़े होकर के ब्रज गोपियों से दूध दही की दान लिया करते थे। कि उसी समय ये गिरिराज गोवर्धन इतने ऊंचाई थी, अगर इधर से उधर, अगर उधर से अगर किसको इधर हो, पूरी गिरिराज गोवर्धन में वो एक ही स्थान था जो दान घाटी। वहीं पर ही ब्रज गोपियाँ वहाँ पर इसी गोविंद कुंड में भागुर ऋषि यहीं पर यज्ञ करते थे। अब ब्रज गोपियाँ यज्ञ में जाने का बहाना बना करके दूध दही बेचने के लिए ब्रज गोपियाँ आया करते थे। इसलिए कहते ना, चलो सखी जहाँ चलिए, जहाँ बसत ब्रजराज, गोरस बेचन हम चले एक पंथ दो काम। इसलिए गुरु जी कहते थे राधा रानी को थोड़ी दूध दही बेचना, कहाँ राधा रानी है और वृषभानुराज नंदिनी जिनकी घर में 11 लाख गैया, जो सर्वेश्वरेश्वरी श्री कितना रमेश्वरी क्षमेश्वरी त्रिवेद भारती स्वरी प्रमाण शासनेश्वरी रमेश्वरी क्षमेश्वरी श्री राधिके नमस्तुते। समस्त का ईश्वरी का जो ईश्वरी राधा रानी, थोड़ी उनको दूध दही बेचने का जरूरत है। केवल वो कृष्ण को साथ में मिलने के लिए ही वो एक बहाना बनाया करते थे। और वहीं पर कृष्ण सखाओं को साथ में वहीं आया जाया करते थे और वहीं पर डंडे लेकर के बैठ जाते थे। और जब ब्रज गोपियाँ आया करती थी, बोले तुम लोगों को दान देना पड़ेगा, राधा रानी बोलती थी क्यों भैया तुमको दान देना पड़ेगा, तू कौन हो? बोले तुमको पता नहीं, वृंदावन का राजा मैं हूँ। बोले राजा किसने तेरे को बनाया ना, अपनी आप तू राजा बन गया है? बोले तुम लोग बड़े बड़े बात करते हो, तुमको पता है कि नहीं, ये जो वृंदावन है, ये वृंदावन वृंदा देवी के ये बने हैं और वृंदा को साथ में मेरी शादी हुई। जब किसी लड़की की किसी लड़के को साथ में शादी होती है, वो लड़की का सारे संपत्ति का मालिक लड़का बन जाता है, इसलिए वृंदावन का राजा मैं हूँ। इतने में राधा रानी बोली भैया वृंदा देवी को बुलाया जाए। वो क्या कहता है इससे शादी की, वृंदा देवी को बुलाए। बोले वृंदा ये छोकरे को जानते हो जो काले रंग के, ये छोकरे को तो जानते हो? बोले कभी देखा ही नहीं है। बोले ये क्या कहता है तेरे साथ में इसकी शादी हुई? बोले इससे कौन शादी करेगा, काले कलूटे
अंदर भी काले बाहर भी काले, तीन जगह से टेढ़े हैं। इससे कोई शादी करेगा उसको ब्रज में कोई लड़की पसंद नहीं करती है, लेकिन ये मन मन में ना सोचता है सब मेरी मेरे सब पत्नी है, लेकिन उसको कोई भी पसंद करते नहीं। इतने में सब, मैं तो राधा रानी को, मैंने सब कुछ राधा रानी को मैंने समर्पण कर दिया। इसलिए वृंदावन में जो राजेश्वरी, जो वृंदावनेश्वरी कौन है? बोले श्रीमती राधा रानी। बोले श्रीमती राधा रानी की। बोले श्री वृंदावनेश्वरी की। इसलिए आप वृंदावन में आकर के देखो ना, किसी को कृष्ण कृष्ण बोलते हुए नहीं मिलेगा। किसका नाम लेते हैं? बोले श्री राधा रानी का नाम लेते हैं सबके सब वृंदावन में। इतने में तो ब्रज गोपियाँ इसलिए दूध दही लेकर के आती हैं वो कृष्ण को खिलाने के लिए, तब कृष्ण को वहीं पर दान दिया, इसलिए जगह का नाम था दान घाटी। जब उसे हम लोगों ने पार किया है, जो गांव को हमने पार करते हुए आए वो गांव का नाम था आनोर ग्राम। वहीं पर ही समस्त ब्रजवासी लोग श्री गिरिराज गोवर्धन की पूजा की। कृष्ण ने इंद्र पूजा को कृष्ण ने बंद करवा दिया। बोले भैया अगर अब पूजा करना तो किसकी पूजा करो? बोले श्री गिरिराज महाराज की। बोले श्री गिरिराज गोवर्धन की पूजा करो। बोले गोवर्धन की पूजा क्यों करे? इसलिए हमारे श्री विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर कहते उसका चार कारण बताए, हम इंद्र पूजा नहीं करके श्री गिरिराज की पूजा क्यों करे? पहला कारण बताए, ब्रज का जो देवता है ना, ये गिरिराज महाराज है, इसलिए इनका नाम गुरुदेव कहते थे। इनका नाम सर्व अभिष्ट प्रदाता, मतलब सारे इच्छाओं को जो गिरिराज ये पूजा पूरी करते हैं। ये गिरिराज कोई पहाड़ नहीं, ये गिरिराज स्वयं भगवान कृष्ण ही, ये गिरिराज गोवर्धन रूप में प्रकट हुए हैं। इसलिए यहाँ पर किसका पूजा बंद कर दिया? बोले इंद्र की पूजा। बोले इंद्र कौन है? बोले ये स्वर्ग के राजा, समस्त देवताओं के राजा श्री इंद्र। बोले भैया इंद्र की पूजा करने का कोई जरूरत नहीं, पूजा करना तो गिरिराज की पूजा करो, क्योंकि गैया को घास यहीं से मिलती है, मेघ टकरा करके यहीं बरसात होती है, इनकी सुंदर झरना से पानी हमें यही मिलती है, फल फूल दूध दही तो गिरिराज से मिलता है, पर ये इंद्र पूजा क्यों करे? इसलिए पिताजी को बोले, पिताजी इंद्र पूजा कब से कर रहे हैं? बोले जब से होश आए। बोले इंद्र को देखा कभी खाते हुए? बोले नहीं। बोले पिताजी अगर आप ये गिरिराज गोवर्धन की पूजा करोगे, ये गिरिराज गोवर्धन स्वयं प्रकट होकर के दर्शन देंगे, और जो कुछ बर मांगोगे सब कुछ श्री गिरिराज महाराज देने वाले। बोले गिरिराज महाराज की। ए भगवान अगर चाहते हैं किसको दिमाग को घुमाने के लिए सब घूम गए। बोले लाला इन्हीं आंखों से देवता दर्शन होगा। बोले हाँ पिताजी। बोले भैया फिर तो हम इंद्र पूजा नहीं, किसको पूजा करेंगे? श्री गिरिराज गोवर्धन की पूजा करेंगे। इसलिए यहाँ पर कृष्ण शिक्षा देते हैं, भैया ज़्यादा देवा देवियों को पूजा नहीं करनी चाहिए। जगत में 33 करोड़ देवता हैं, दिन में अगर 1 करोड़ देवता को पूजा करो तो 30 दिन में कितना हो गया? फिर कितना बाकी रह गया? 3 करोड़ बाकी रह गया ना। फिर कितने को मनाओगे? 1 को मनाओ दूसरे मुंह फुलाकर बैठ जाएगा। इसलिए ऐसे ये गिरिराज गोवर्धन है, ये किंग कृष्ण है ना, जिनकी पूजा करने से बल विश्व ब्रह्मांड की पूजा अपने आप हो जाता है, क्योंकि कृष्ण का अंदर में ये अनंत कोटि विश्व ब्रह्मांड कृष्ण की अंदर में विद्यमान है। इसलिए कहते ये पहला कारण है क्यों उन्होंने गिरिराज की पूजा करवाए। दूसरा कारण बताए, इंद्र का मन में अभिमान है। क्या अभिमान? कहते अगर मैं बारिश नहीं बरसाऊंगा सारे ब्रजवासी भूखे मर जाएंगे, क्योंकि बारिश बरसाने पर घास उगता है, गैया घास खाते हैं, दूध देते हैं, दूध से ही राबड़ी मलाई जो कुछ दूध से इनका जीवन, तो दूध ही इनका जीवन है। अगर मैं बारिश नहीं करूंगा तो क्या होगा? सारे ब्रजवासी मर जाएंगे। कृष्ण ने कहा तू मेघ देने वाले तू हो, तुमको पता है ये ब्रज की, ये ब्रज का जो धूल है ना वो चिंतामणि है। बोले चिंतामणि प्रकर सदम सुकल्प वृक्ष लख्या वृतत सुरभि रभिपाल अंतम। यहाँ का एक धूल में इतने शक्ति,
तेरे जैसे कितने इंद्र को सृष्टि कर सकते हैं, वहां के लता पता में इतने शक्ति, कितने ब्रह्मा शंकर इंद्र चंद्र को ये प्रकट कर सकते हैं। नंद बाबा जिनकी झूठन में स्वयं खाता हूँ, अगर नंद बाबा बोले लाला कन्हैया मेरे जूती ले आओ, कृष्ण ठुमक ठुमक करके चलते हैं, हाथों में नहीं उसको सर पर रख करके लाते हैं। नंद बाबा सोचते लाला मेरे कितने अच्छे हो, देखो मैंने कहा जूती लाओ तो सर में हाथों में नहीं इसको सर पर रख करके लाए। लाला बड़ा होने पर ना पिता माता की खूब सेवा करेगा है। बोले जिनकी चरण धूलि में स्वयं ग्रहण करता हूँ, और इंद्र कहता है मैं इनकी प्रजा और तू बन गया राजा, अभी तेरे को मजा चखाता हूँ। इसलिए उन्होंने किया कि इंद्र पूजा को बंद करा दिया। दूसरा कारण कहते हैं अभी कृष्ण सोच रहे हैं ये ब्रजवासी कौन है, ये ब्रजवासी कोई साधारण व्यक्ति नहीं, जिसको श्री श्री ब्रह्मा जी कहते हैं आनंद चिन्मय रस प्रतिभाविता भी स्थाभीर एव निज रूप कला तया भी। ये राधा रानी कौन है, कृष्ण की अभिन्न स्वरूप राधा रानी, बलदेव इनकी अभिन्न स्वरूप बलदेव है, ब्रज गोपियां है कौन। बोले राधा जी की एक एक भाव ही एक एक मूर्तिमान रूप में ये कायव्य रूप में ब्रज गोपियां, ये सखाएं कौन है। कहते कुछ बलदेव प्रभु से कुछ कृष्ण से प्रकाशित हुए हैं। ये नंद जसोदा कौन है, कृष्ण के बाप है, कृष्ण के पिता माता है, जस्या लिंदे परम ब्रह्म। इसलिए कहते भले ही श्रुति वेद को पुराण को पूजा करे, लेकिन मैं तो श्री नंद बाबा को पूजा करता हूँ, जिसकी आंगना में कृष्ण घुटन पर ठुमुक ठुमुक करके कृष्ण घुटन पर चलते हैं। भले तेरे अभिमान हो गया तुम ब्रजवासियों का है, इसलिए कृष्ण सोच रहे हैं इनको साथ में मैं सात सात दिन तक इनको साथ में मैं विहार करना चाहता हूँ, इनको साथ में उत्सव करना चाहता हूँ। ये संभव कब होगा, जब मैं गिरिराज गोवर्धन को धारण करूँगा। नहीं चाहने पर भी सारे ब्रजवासियों को उसको नीचे आना ही पड़ेगा, फिर मिलन हो जाएगा। इसलिए कृष्ण जिस समय उन्होंने श्री गिरिराज गोवर्धन को धारण कर लिया, सारे ब्रजवासी ये गिरिराज की तलहटी में सबके सब ब्रजवासी आ गए, और ब्रजवासी आकर के जिन राधा रानी से कृष्ण को मिलने के लिए पता नहीं कितने क्या करना पड़ता था, हाँ कितने परिश्रम, कहाँ दूती को भेज करके कहाँ मिलेंगे क्या होगा। लेकिन अगर कोई बोल दिया जटिला कुटिला ना, फिर भाग जाते हैं जटिला कुटिला आ गए। इसलिए जिनको साथ में मिलना बड़ा कठिन होता था, लेकिन जब कृष्ण गिरिराज धारण किए, नहीं चाहने पर भी छोटी सी जगह को अंदर में आना ही पड़ेगा, अभी राधा रानी को सामने आना ही पड़ा। अब ब्रज गोपियां देखना, जैसे किसी बस में जाओ ना जिसमें बहुत भीड़ है, उस समय देखता नहीं कौन लड़का हो कोई लड़की, कोई देखता है एकदम चिपक करके खड़े हो जाते हैं, क्योंकि चारों तरफ में बारिश ही हो रही है। अभी नहीं चाहने पर भी गोपियों को राधा रानी को सामने आना पड़ा। लेकिन कृष्ण जब राधा रानी को दर्शन किया ना, बोले वेणु स्खलित निपतम शिखंडम। इसलिए राधा रानी को दर्शन करते ही ना कृष्ण का बंसुरी गिर जाती है, मयूर मुकुट गिर जाता है, कभी कभी कपड़ा गिर जाता है, कृष्ण कभी खुद गिर जाते हैं। अभी राधा रानी जब आ गई सामने, अभी राधा रानी तो प्रेम स्वरूपिणी, उसको दर्शन करते ही कृष्ण गिरिराज को धारण किए थे। इतने में तो कृष्ण की हाथ डगमगाने लग गया, नीचे कितने सारे ब्रजवासी और ऊपर श्री गिरिराज गोवर्धन, और राधा रानी को दर्शन करते ही कृष्ण डगमगाने लग गए। सखा बोले कन्हैया किधर देख रहे हो, उधर मत देखा करो, किधर तू देख रहे हो, इसलिए खबरदार इसके नीचे हम सारे ब्रजवासी इधर उधर मत देखा करो हैं। इतने में मैया जसोदा कन्हैया को बारंबार मक्खन खिला रही थी, उनको हाथ को मालिश कर रही थी, इसलिए कृष्ण ये गिरिराज गोवर्धन को उन्होंने धारण किया। ब्रजवासियों को साथ में सात दिन तक लीला करना चाहते थे। इसका जो सर्वश्रेष्ठ कारण है, कृष्ण का जो सर्वतम लीला वो रासलीला है। अभी कृष्ण ये रासलीला करना चाहते हैं, लेकिन कृष्ण अकेले तो रास कर ही नहीं सकते हैं ब्रज गोपियों के बगैर। इसलिए कृष्ण सोच रहे हैं अभी इनको आकर्षण कैसे करूं। इसलिए जैसे बताया एक हीरो जब किसी हीरोइन को आकर्षण करना चाहता है, वो क्या करता है, वो हीरोइन को सामने अपना बहादुर दिखाता है, कुछ लोगों को इकट्ठे करके ऐसे सबको साथ में मारपीट करेगा ना, सबको भगा देगा। वो हीरोइन देखेगा बाबा रे बड़ा बलवान है, हाँ बड़ा ताकतवान है, वो अपने आप उसको प्रति आसक्त हो जाता है। ब्रज का हीरो कौन है, एक ही हीरो है श्री कृष्ण कन्हैया।
बोले श्री कृष्ण कन्हैया लाल की। अभी हीरोइनी कौन है? बोले ब्रज की गोपियां है। इसलिए कृष्ण ने क्या किया, उनने 7 साल का बालक, 7 क्रोश गिरिराज और 7 दिन तक उन्होंने कैसे धारण किया, कनिष्ठ अंगुल को ऊपर में धारण किया। हम कभी कभी कहते हैं ना, अरे मेरे लिए ये कौन सा बड़ी भारी बात है, हम तो उल्टा हाथ से कर सकते हैं। बोले उल्टा बाएं हाथ की खेल है, हैं? बोले बाएं हाथ की खेल की छोड़ दो, सबसे कनिष्ठ अंगुल के ऊपर धारण कर सकते हैं। बोले कनिष्ठ अंगुल के ऊपर नहीं, कृष्ण ने नख के ऊपर में उनने श्री गिरिराज गोवर्धन को उन्होंने धारण कर लिया। इसलिए कहते हैं कछु माखन को बल बढ़ो, कछु गोपने करी सहाय, और राधा रानी की कृपा से गिरिवर लिया उठाए। इसलिए राधा रानी ब्रज गोपियां देख करके हे सबके सम्मान प्राण चित कृष्ण को उन्होंने अर्पण कर दिया। बस कृष्ण की रासलीला हो गया। जब उन्होंने कृष्ण ये गिरिराज को धारण किया, इंद्र ने जी जान लगा दी, 7 दिन तक ओले बरसाने लग गए, 7 दिन तक हाथी की सूड़क मूसलधारा से बारिश ही हुई, वज्रपात पूरा उन्होंने ब्रज को तसनच करने के लिए उन्होंने कोशिश किया। लेकिन जब 7 दिन बीत गई, 7 दिन बीतने पर इतने में इंद्र ने एक दूत को भेजा, बोले भैया देख करके आओ तो, ए वो गन्ने वालों को बंद करो, ए गन्ने का जूस कौन पी रहा है, बोले थोड़ी समय रुक जाओ ना पीने का, जाकर बंद करो तो गन्ने वालों को। इसलिए उन्होंने 7 दिन के बाद में इंद्र ने एक दूत को भेजा, बोले भैया देख करके आओ तो ब्रज का सत्यानाश हो गया कि नहीं। एक आया दूत, उसने ऊपर ऊपर से देखा, ऊपर से देख करके वापस गया। इंद्र ने कहा बताओ ब्रज की क्या दशा है, बोले ब्रज में एक चिट्टी तक भी ब्रज में नहीं, सब खत्म। इंद्र ने और एक को भेजा, और एक को भेज करके बोले भैया तू देख करके आ। जब उसने नीचे आया ना, देखा वहाँ पर एक चिट्टी भी मरे नहीं, वहाँ पर तो कृष्ण गिरिराज को धारण करके रखे, सारे ब्रजवासी गिरिराज को नीचे आनंद पूर्वक सबके सब उत्सव ले उत्सव कर रहे थे, सबके सब बड़े सुंदर। बोले आज बीरज में होरी रे रसिया, आज बीरज में होरी रे रसिया, होरी रे रसिया बर जोरी रे रसिया, होरी रे रसिया बर जोरी रे, आज बीरज में होरी रे रसिया, आज बीरज में होरी रे, अपने अपने घरों से निकसी, अपने अपने घरों से आ, कोई गोरी कोई काली रे रसिया, कोई गोरी कोई काली रे, आज बीरज में होरी रे रसिया, आज बीरज में होरी रे, हो 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 होरी रे रसिया, हो 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 रे, आज बीरज में होरी रे रसिया, आज बीरज में होरी रे। अभी वहाँ तो होली मच रहा है, वो बड़े आनंद पूर्वक जब उसने वापस गया ना, इंद्र ने कहा बताओ ब्रजवासियों का सत्यानाश हो गया कि नहीं। बोले ब्रजवासियों का सत्यानाश ना, तेरा सत्यानाश। बोले मतलब, बोले मतलब क्या, जिसको तुम साधारण बालक समझ रहा था ना, वो तो कनिष्ठ अंगुल के ऊपर में श्री गिरिराज गोवर्धन को उन्होंने धारण करके रखे, सारे ब्रजवासी उसको नीचे आनंद पूर्वक होली खेल रहे, आनंद आ रहे हैं, इसलिए उन्होंने वहाँ पर आनंद आ रहे हैं। देखो अगर आपको बोले यहाँ पर 1 घंटा खड़े होने के लिए ना, खड़े हो सकते हो? 2 घंटा, 5 घंटा, 10 घंटा ज़्यादा खड़े हो सकते हो? लेकिन कितना दिन ब्रजवासियों ने बिताए बताओ तो? 7 दिन। संभव है क्या 7 दिन तक? अभी प्रश्न होता है, विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर कहते हैं भैया 7 दिन कैसे, यहाँ पर 1 घंटा खड़ा हो खिलबिल मच जाएगा, कब भागे यहाँ से, कब भागे। लेकिन ब्रजवासी 7 दिन तक कैसे खड़े हुए? बोले उसी समय में कृष्ण की मुखार बिंदु को दर्शन कर रहे थे। लेकिन जब कृष्ण की मुखार बिंदु दर्शन करते हैं, उसमें इतने आनंद है कृष्ण को दर्शन करने का, इसलिए ब्रज गोपियां क्या कहती हैं, बोले त्रुटि जुगायते त्वांग मपश्यता आम
కోటిల కోంతలం శ్రీముఖం చతే జడౌ దీక్షతాం పాచ్మకే దృశాం కోటిల కోంతలం శ్రీముఖం చతే. ఇసిలియే శ్రీ రూప గోస్వామి కహతే కృష్ణ కి చారి మాధుర్యమే एक माधुर्य इनकी प्रेम माधुर्य. प्रेम माधुर्य का विशेषत्व है कृष्ण जब गोचारण करते हुए वापस आते हैं बड़े सुंदर मीठी मीठी बंसी ध्वनि करते हैं. सारे ब्रजवासी दर्शन करने के लिए आते हैं कृष्ण को दर्शन करते समय ब्रज गोपियों का जो पलक झपती हैं पता नहीं चलता जब पलक कब झप जाए, लेकिन उतना समय को कहते बोले त्रुटि जुगायते त्वाम मपसत्याम. हे श्याम सुंदर, लगता है माने एक युग कितने युग बीत गया तेरे को दर्शन किए बगैर. इसलिए कृष्ण जब रास करते हैं ब्रह्मा का एक रात तक रास की, लेकिन क्या पता चला अब अभी आए और अभी खत्म हो गया. इसलिए कृष्ण के मुख दर्शन करते हुए सबके सब सब दुख को भूल गए. और इंद्र का जब पता चला उसने कृष्ण भगवान है अपना गुरु जी बृहस्पति को पास में गए. बृहस्पति बोले मैं कुछ नहीं कर सकता हूँ, ब्रह्मा जी को पास में चलो. ब्रह्मा जी को पास में गए तो बोले तुमने सर्वनाश कर दिया. ये कृष्ण ऐसे एक अवतार हैं कि जितने सारे देवता का जो घमंड है उनने सारे घमंड को उसने चकनाचूर किया. सब देवता लोग कृष्ण के चरण में माफी मांगे हैं. बोले गुरु जी बताओ क्या करना. बोले कृष्ण ग्वाला है, गोपाल है, ये गैया इनकी देवता. अगर सुरभि गाभी की आनुगत्य में जाओगे तो हो सकता है कृष्ण खुश हो जाएंगे. तो उन्होंने सुरभि गाभी की आनुगत्य में यहीं पर आए और यहीं पर उन्होंने भगवान को अभिषेक कराया. और ये जो कुंड है ना, ये चरणामृत कुंड है. जिस समय उन्होंने यहीं पर अभिषेक कराया, ये सारे अभिषेक का जो पानी है ये गोविंद कुंड में है. और इसलिए इंद्र को भगवान ने शासन किया. बोले देखो जस्य अहम अनुगृह्णामि हरिसे तद् धनौसनेहि, मैं जिसको पर कृपा करता हूँ उसको सब कुछ अपहरण कर लेता हूँ. तेरे अंदर में अभिमान आ गया था मैं ब्रज का राजा सबके सब प्रजा, इसलिए खबरदार कभी अभिमान नहीं करना. बड़े शासन किए और यहीं पर उन्होंने उनको एक नाम भी रखा. क्या नाम रखा था? अरे बोलो जोर से. इनका नाम उन्होंने गोविंद नाम रखा. हाँ इंद्र ने बोले इनका नाम गोविंद नाम क्यों रखा, ये गोविंद का मतलब क्या होता है. इसलिए श्री विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर मैया कुंती ने जो कृष्ण को स्तुति की ना, वो स्तुति में कहती हैं बोले कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंद गोप कुमाराय गोविंदाय नमो नमः. यहाँ पर गोविंद शब्द आया. तब विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर कहते हैं, विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर कहते हैं, ए लाला क्या कर रहे, रुक जा. इसलिए विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर कहते हैं बोले कृष्णाय. कृष्णाय मतलब क्या है, जो कृष्ण को उपासना करते हैं जगत में वो सर्वश्रेष्ठ है, लेकिन उनसे बड़े कौन है, कृष्णाय वासुदेवाय श्री वसुदेव महाराज. क्यों, वो जगत पिता जगन्नाथ होकर के वसुदेव का बेटा बन करके आए. बोले उनसे बड़े कौन है, बोले देवकी जो भगवान को अपना गर्भ में धारण किया. लेकिन उनसे बड़े कौन है, बोले नंद गोप कुमाराय. कृष्ण तो मथुरा में प्रकट हुए लेकिन उनको लालन पालन पल्ले में झुलाया किसने, और नंद के आनंद भयो जय कन्हैया. ये आनंद कौन लिया, बोले नंद और जसोदा. बोले उनसे बड़े कौन है, बोले ये ब्रज गोपियां, क्योंकि जिनको साथ में भगवान कृष्ण ये रास रचाए जिनको साथ में. बोले इनसे बड़े कौन है, बोले सर्व गोपैक सेवई का विष्णु रतंत बल्लवा. ये ब्रज गोपियाँ भी जिनकी चरण की उपासना करते हैं. बोले किसकी चरण की, बोले श्री किशोर जी की, श्री राधा रानी की जय. इसलिए यहाँ पर कहते जो गोविंद शब्द है, गो मतलब होता है इंद्रियाँ, बिंदती मतलब आनंदयती. यद्यपि कृष्ण सभी की इंद्रियों को आनंद दिया, लेकिन इस सर्वतम रूप में किसको इंद्रियों को आनंद दिया, बोले श्री राधा रानी को. इसलिए जो गोविंद शब्द है, राधा रानी की संपूर्ण इंद्रियों को जिसने सार्थकता बनाया, कहती ये श्री गोविंद भगवान है.
बोले श्री गोविंद भगवान की, इसलिए हम लोग यहाँ पर आए हैं। हम लोग के ऊपर में ठाकुर जी आशीर्वाद करे, कृपा करे, हम ठाकुर जी के चरण में हमारी प्रेम हो, गिरिराज जी हमारी समस्त इच्छा को, गिरिराज पूजा करे, इच्छा को पूरी करे। गुरुदेव कहते धन दौलत पुत्र परिवार तो आसानी से दे देते हैं, लेकिन जो भक्ति मांगो ना, गिरिराज को सोचना पड़ जाते हैं भक्ति दूँ कि नहीं। बोले क्यों? बोले भक्ति देने से इनका वशीभूत होना पड़ेगा, इसलिए भुक्ति मुक्ति देन प्रभु भक्ति राखे लुकाएगा। लेकिन अगर निष्कपट रूप में गिरिराज से कोई प्रार्थना करे, गिरिराज भक्ति ही देते हैं। बोले गिरिराज महाराज की जय। हाँ, यहाँ पर सब दक्षिणा देना बोलो।